अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी क्या हुई, कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती उछल कूद मचाने लगी और कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से करते हुए कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की धमकी तक दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह तालिबान ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही कश्मीर में भी होगा। महबूबा मुफ्ती के इस विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए निर्मला सीतारमण ने महबूबा मुफ्ती को इस तरह के बयान देने से बचने की सलाह दी और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। हमारे सब्र का इम्तहान मत लो, जिस दिन सब्र का इम्तहान टूटेगा आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करना चाहती है तो उसे आर्टिकल 370 बहाल करना होगा और बातचीत के जरिए कश्मीर के मुद्दों को हल करना होगा। कुलगाम में सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन तालिबान के बर्ताव पर पूरी दुनिया नजर रख रही है। मैं तालिबान से अपील करती हूँ कि वह ऐसा कोई काम न करे जो दुनिया को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर करे। तालिबान में बंदूकों की भूमिका खत्म हो गई है और विश्व समुदाय देख रहा है कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पीडीपी चीफ ने कहा कि 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के नेतृत्व से वादा किया था कि लोगों की पहचान की हर तरह से रक्षा की जाएगी और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी के वक्त भाजपा सरकार होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीर में असंतोष को कुचलने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोगों की भावनाओं में सुधार नहीं होता तो भारत सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर भागों में टूटने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस समय इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत राष्ट्र है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, न कि जो बाइडेन। हम सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, वे देशद्रोह में लिप्त हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों का अपमान किया है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में तालिबान राज चाहती हैं, लेकिन हमारी सरकार सभी आतंकियों का सफाया कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।